बात करने वाले हैं फाइव बेस्ट एक्सरसाइजेस टू रिलीज योर शैटिका पेन. शैटिका क्या है, जिन्हें हो रहा है उन्हें तो पता है ये क्या है, जिन्हें नहीं हो रहा उनके लिए एक नर्व होती है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और हमारे बटक से होते, नी से होते हमारे पैर पे जाती है. कभी कभी इस नर्व को दबा देती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि उसमें कोई इंजरी हुई हो या कोई डिस्क प्रोलैप्स हुआ हो या कोई स्टेनोसिस हुआ हो. इस पेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि इस नर्व के ऊपर से एक मसल जाती है जिसे कहते हैं पिरिफोर्मिस मसल. ये मसल हमारे बटक्स में होती है. जब ये मसल टाइट हो जाती है तो जो पीछे से नर्व जा रही है उसे प्रेस करती है और अल्टीमेटली फिर शैटिका पेन होने लग जाता है. सो फाइव इजिएस्ट वे टू रिलीज दिस पेन इज दिस. फॉलो इट. The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. सबसे पहले आप एक hard surface, mat या किसी भी hard bed या किसी couch पे बैठ जाइए या लेट जाइए और आप सीधा लेट के अपने राइट नी अपना शोल्डर की तरफ पे आप स्ट्रेच करोगे. दैट्स इट. वन टू थ्री रिलैक्स. दूसरा पैर. वन टू थ्री रिलैक्स. बहुत ही सिंपल. एंड देन अब उसके बाद अपना लेफ्ट लेग फोल्ड करिए, राइट लेग उसके ऊपर. दोनों हाथों से लेफ्ट लेग पकड़ के अपनी तरफ खींचिए. ये करना बहुत मुश्किल भी हो सकता है लेकिन जितना आपका पेन अलाउ करता है उतना आप स्ट्रेच करिए. 3 सेकेंड होल्ड करिए. 1 2 3 और नीचे. इसमें जिस पैर को आपने क्रॉस किया है वहां आपको दर्द होगा. याद रखना है कि ये दोनों पैरों पे करना है हमें. फिर क्रॉस करके अपना राइट लेग पुल करो. 1 2 3 रिलैक्स. ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज हुई. हमारी थर्ड एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट है. जो स्टार्टर्स हैं वो ये एक्सरसाइज सबसे लास्ट में करेंगे. तो जैसे हम कैट एंड कैमल पोज में होते हैं उस तरीके से आप आ जाइए. जो लोग नील डाउन करके बैठ सकते हैं वो नील डाउन करके जाइए. जो लोग नील डाउन नहीं कर सकते वो सीधा इस पोज में आइए और फिर उसके बाद अपना राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर क्रॉस करके दूसरा लेग आपका पीछे खींचेगा और हाथों के बल से नीचे जाना है ऊपर आना है, नीचे जाना है ऊपर आना है. वापस कैट एंड कैमल पोज पे. और अब दूसरा लेग को सिंपल इस लेग को ऊपर करो, ये लेग अंदर घुमाओ, नीचे स्ट्रेच ये लेग आउट, नीचे जाना है ऊपर आना है, नीचे एंड ऊपर एंड देन रिलैक्स. फोर्थ और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. जैसे हम आंटी पांटी मार के बैठते हैं उफ, किसी किसी लोगों को ऐसे भी बैठना नहीं होगा. दिस इज अ साइन और दिस इज अ सिम्टम कि आपकी मसल्स बहुत ज्यादा टाइट फ्लेक्स्ड है. तो थोड़ा नीचे बैठना स्टार्ट करो और अपने लेग्स को स्ट्रेच करना स्टार्ट करो. यू कैन स्ट्रेच इट और जैसे हमारे रामदेव बाबा जी बताते हैं ऐसे बैठ के ट्राई एंड सिट on your scissored legs like that. 1 2 3 and then आप उठ भी सकते हैं या तो फिर आप आराम से नीचे बैठकर नीचे स्ट्रेच कर सकते हैं. जो थोड़े फ्लेक्सिबल है मेरे जैसे वो आराम से अपना पैर नीचे या मुझसे भी ज्यादा वो आराम से अपने घुटने नीचे जमीन पे लगा सकते हैं, which is a very good thing. और हमारी last exercise जो कि बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है बट बहुत ही मेन एक्सरसाइज है वो है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. हैमस्ट्रिंग मसल क्या है? ये मसल होती है जो हमारे लेग के इस हिस्से में पीछे हिस्से में जाती है. तो हमें इसे स्ट्रेच करना है. आप एक चेयर पे अपना पैर रख सकते हो एंड देन ऑटोमेटिकली आपको वो स्ट्रेच फील होगा या तो फिर आप इस तरीके से खड़े होके आगे हो सकते हो जिससे आपको इस पैर में पीछे की तरफ पेन फील होगा. आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप अपना हील नहीं उठा रहे हैं और अगर आप अनस्टेडी फील कर रहे हैं तो टेक सपोर्ट.
आप किसी भी दीवार का या कुर्सी का सहारा ले सकते हैं एंड देन गो डाउन एंड कम बैक. सिंपल. और आपका पेन आराम से चला जाएगा. स्ट्रेचेस कीजिए कम से कम 3 बार दिन में और कम से कम 3 टाइम. धीरे धीरे आप फील करोगे कि ये स्ट्रेचेस इजी है एंड धीरे धीरे आपको पेन भी रिलीफ हो जाएगा. थैंक्स.